बेकाबू शो में शालिन भनोट को लगा तगड़ा झटका। इस नागिन सीजन 6 के एक्टर की होगी एंट्री, ईशा सिंह के बॉयफ्रेंड का होगा ऐसा किरदार। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो बुरी खबर जो कि शालिन भनोट को आने वाले दिनों में करेगी हर्ट। आखिर किस समय पर बेकाबू शो आज से दस्तक देगा जियो सिनेमा पर। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। नागिन सीजन 6 के ऑफर के बाद अब शालिन भनोट का शो भी कलर्स टीवी से तो ऑफर हो चुका है, लेकिन फाइनली मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी और शालिन भनोट के शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस शो को जियो सिनेमा पर शिफ्ट किया गया है जो कि शाम 7 बजे के स्लॉट पर आएगा। वैसे तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं बेकाबू शो को जियो सिनेमा पर देखने के लिए, लेकिन इसी बीच एकता कपूर ने कुछ और भी ऐसी बड़ी एंट्री कराई है जिससे कि शो की TRP और भी नेक्स्ट लेवल पर जा सके। पहले आपको बता दें नागिन सीजन 6 के एक्टर रोहित चौधरी की होने वाली है शो में एंट्री, और रोहित चौधरी जो कि बेकाबू शो में ईशा सिंह के बॉयफ्रेंड का किरदार निभाने वाले हैं, यानी अब बेला और रानव के बीच में दूरियां बढ़ने वाली हैं। वहीं नहीं, शालिन भनोट को भी मिलने वाला है एक तगड़ा रिवाइवल क्योंकि ये एक्टर अब ईशा सिंह का बॉयफ्रेंड का किरदार निभाएगा, तो जाहिर तौर पर शालिन भनोट के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल के लिए बेला और रानव की क्या होती है अगली नेक्स्ट केमिस्ट्री, उसके लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है क्या वाकई ये नई एंट्री से शालिन भनोट और ईशा सिंह के कैरेक्टर में आएगी दूरियां? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।